हेलो बीवॉन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे ए पी सी वर्क बुक क्लास फाइव ई वी एस का चैप्टर नाइन अप यू गो तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए चैप्टर नाइन है अप यू गो पहले हम छोटा सा समरी है इसे देख लेते हैं ठीक है संगीता अरोड़ा और टीचर ऑफ़ केंद्रीय विद्यालय हैज़ रिटन अबाउट हर रियल एक्सपीरियंसेज एट द माउंटेनियरिंग कैंप इन दिस चैप्टर ठीक है संगीता अरोड़ा एक टीचर है केंद्रीय विद्यालय की उन्होंने अपने बारे में लिखा है अपना रियल एक्सपीरियंस लिखा है ठीक है कि माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में ठीक है इस चैप्टर में ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वाज़ द डायरेक्टर ऑफ देयर एडवेंचर कोर्स ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे ना वो डायरेक्टर थे उनके एडवेंचर कोर्स के संगीता वॉज मेड द लीडर ऑफ ग्रुप नंबर सेवन संगीता को ग्रुप नंबर सेवन का लीडर बना दिया गया है एक ग्रुप लीडर हैज़ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ग्रुप लीडर जो होता है ना उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिल रिस्पांसबिलिटीज़ होते हैं ठीक है माउंटेनियर्स सुड टेक विटामिन सी आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप डेम सेल्प वॉ इन द कोल्ड जो माउंटेनियर्स होते हैं उन्हें विटामिन सी आयरन टैबलेट चॉकलेट मिल्क हॉट चॉकलेट मिल्क ये सारी चीज लेना पड़ता है स्ट्रेंथ के लिए ठीक है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके ठीक है इन माउंटेंस टू क्रॉस अ रिवर अ थिक रॉप इज़ टाइटली फिक्स टू पैक्स और पिटन्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर माउंटेंस माउंटेनियर्स टाई अलिंग अराउंड देयर वेस्ट एंड पुड द स्लिंग ऑन द थिक रॉप ठीक है आपने देखा होगा माउंटेनियर्स जो होते हैं ना वो रिवर जैसे रि रिवर क्रॉस करते हैं तो एक साइड से दूसरे साइड तक एक रॉप बंधा रहता है जो टाइटली बंधा रहता है उन्हें वो uh, पकड़ के किस तरह से पार करते हैं ठीक है वी फील हैप्पीनेस एंड गेन कॉन्फिडेंस आफ्टर सक्सेसफुली फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क तो हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ये सारा चीज़ इसमें बताया गया है कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है ठीक है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कॉन् अच्छा फील किया बहुत ही खुश हुए कि हम लोगों ने अपना टास्क अच्छा से कम्प्लीट किया और रस्क सेक ऑफ माउंटेनियर्स हैज़ फूड पैकेट्स वाटर बॉटल्स रॉप हुक प्लास्टिक सिट डायरी टॉर्च टॉवेल सॉप वंड चीटर विसल, ग्लूकोज, जागड़ी चना एंड सम अदर स्नैक्स तो देखिए माउंटेनियर्स के पास इतने सारे चीज़ होते हैं फूड पैकेट्स होता है वाटर बॉटल रॉप प्लास्टिक सेट ग्लूकोज विसल ठीक है जागड़ी चना और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्राउंड इन द स्टिप फील्ड्स इन माउंटेंस वाइल्ड क्लिंबिंग द स्टिप माउंटेंस Mountaineers should keep their body uh, at an angle of 90 degree and back straight. Wrapping, rappling, rappling is a special way of coming down using the rope. Bachendri Pal was the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. Jo Bachendri Pal was the uh, first Indian thi, hai? first Indian woman thi, पहली बार माउंट एवरेस्ट पे जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पे पहुंची और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया ठीक है डबल लेयर्ड प्लास्टिक सीट्स आर यूज टू पुट अप टेंट द एयर बिटवीन द लेयर्स हेल्प्स टू कीप माउंटेनियर्स वार्म स्लीपिंग बैग्स आर फिल्ड विद सॉफ्ट वेदर टू कीप माउंटेनियर्स वाम एंड स्लिप स्लिप कम्फर्टेबली ऑन हार्ड रॉक्स A drain is dug around the tent to keep off insects and reptiles. Snow um, snowfall. Snowfall is falling off snowflakes gently. Some of the mountaineers equipment are uh, pigs or patents thick rope, stick, sleeping bags, sling campons or hunter shoes. तो ये था आपका ये सारा चीज़ उनके पास होता है एक माउंटेनियर्स जो होते हैं उनके पास ये सारे इक्विपमेंट हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ शूज ये स्पेशल टाइप का शूज होता है ये सारा चीज़ उनके पास होता है ठीक है तो ये आपका समरी था जो कंप्लीट हो चुका है अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे अब देखिए क्वेश्चन है कि हु ऑल हैड गॉन फॉर द माउंटेनियर माउंटेनियरिंग कैंप गर्ल्स From Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, and Nagaland. What is the most important responsibility of a leader? Taking care of each member of the group. Who were the members of group number 7? Girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, and Nagaland. Why was Sangeeta feeling happy and confident after crossing the river? She was. Feeling happy and confident because she had crossed river successfully. What all things were there in the rusk sack? Food packets, water bottle, rope, hook, plastic, seat, diary, torch, towel, soap, uh, wind chitter, uh, vishal, glucose, jaggery, chana, and some snacks. Who had come to meet the brigadier who is Bachhendripal? bachendri pal had come to meet the brigadier bachendri pal is the first indian woman to climb everest what is rappelling the act or method of moving down a steep incline or past an overhang by means of a double rope secured above and placed around the body what is the correct way of rock climbing? Keep the body at an angle of ninety degree while climbing and keeping, keeping your back strength. Why wear double layered plastic sheets used for the tent and the ground to keep the water or moisture on land from seeping, slipping into the tent. Okay. Ab dekhe, thirty number. Why was a drain dug around the tent? Drain was dug to keep off insects, scorpions, snakes, etc. Fill in the blanks. Brigadier Gyan Singh. Brigadier Gyan Singh was the director of the adventure course. Sangeeta had blisters on her feet. Sangeeta was made the leader of group number seven. The rope was tightly fixed to pegs or pitons on both the sides. Tekla village was at a height of 1600 meters. They saw fruits and vegetables growing in the steep fields. Khon dombi. Khon, dom Khon dombi spoke only Mizo language. They all made a uh, chulha with uh, firewood and stones. Give reason. Sangeeta could not talk to Khondombi even once because Khondombi only speak Mizo language and Sangeeta did not understand that. They were all given vitamin C, iron tablets, and hot chocolate milk with breakfast. They gives extra energy, strength, and keep them warm in the cold. No one was ready to step into the river because the water was flowing fastly and it was very cold. Sangeeta felt a special kind of happiness when she came out of the river because she did not feel in the river. The sleeping bags were filled with soft feathers. It helps mountaineers to keep warm and sleep comfortably. ठीक है उसके बाद है राइट ट्रू और द करेक्ट स्टेटमेंट्स और फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वंस ठीक है देर इज अ कैम्प फायर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ कैम्प फॉल्स ए ग्रुप लीडर वॉक्स अहेड द ग्रुप फॉल्स देर इज नो डिसिप्लिन इन अ कैम्प फॉल्स देर आर नो मेडिकल चेकअप्स इन अ कैम्प फॉल्स we feel happy on finishing a challenging task true bachendri pal was the first indian woman to go on the moon false while rock climbing the body should be kept at an angle of 45 degree false it is difficult to walk on snow true write names of any four mountaineering equipment हेलमेट हेलमेट उसके बाद हार्नेस और रॉक क्लिम्बिंग बूट्स स्लिंग फाइंड आउट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय अ क्लिम्बर क्लिम्बिंग एंड अल्टीट्यूड, ठीक है तो ये आपको खुद लिखना है कि एक जो होता है क्लिम्बर जो होता है जो रॉक क्लिम्बिंग करने जाते हैं उन्हें किन किन डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है ठीक है तो ये आप खुद लिखेंगे beyond the text find out who were the first men to climb mount everest the world's highest peak edmund edmund hilary and uh, tenzing Nor uh, Norway. Okay. what is the height of mount everest 8849 meter which is the highest peak in india विच इज़ द हाइस्ट पिक इन इंडिया कंचनजंगा पिक एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी सिक्स मीटर हु इज़ संतोष यादव संतोष यादव यादव इज एन इंडियन माउंटेनियर्स सी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट ट्वीस ठीक है ये सारा चीज़ ऐसा है जो कि एग्जाम में आ सकता है ठीक है ऑब्जेक्टिव में ठीक है उसके बाद है फाइव नंबर के राइट नेम्स ऑफ टू training institute which provide rigorous training to climb the mountains nehru institute of mountaineering himalaya mountaineering beside k2 write the names of any two famous peaks in india kanchenjunga and nanda devi paste the pictures of flag of nations who climbers have सिर्ड माउंट एवरेस्ट सो फार तो आपको एक uh, जो है ना एक आपको इंडिया का जो फ्लैग आपको बनाना है और यहाँ पर आपको लगाना है ठीक है जैसे कि माउंटेनियरिंग जब जाते हैं तो वो uh, बिल्कुल टॉप में लगाते हैं उस तरह से ठीक है डिज़ाइनर फ्लैग फॉर योर स्कूल एंड ड्रॉ इन देशेस विलो तो आपको एक स्कूल का मतलब फ्लैग का डिज़ाइन करना है ठीक है अपने स्कूल में आपने किस तरह से सजाया है एक स्कूल बनाना है उसमें आपको फ्लैग बनाना है डिज़ाइन करना है और इसका आपको इसे आपको नीचे लगाना है ठीक है तो आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं या कहीं पे अगर पिक्चर है तो उसे आप कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो